आकलन और सीपीआर आपके पार्ट अलग अलग है लेकिन है एक ही चीज। केजुअल्टी का आकलन कैसे करोगे आप? प्रारंभिक आकलन, प्रारंभिक आकलन का मतलब है कि उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है अपने को केजुअल्टी पे या दुर्घटना स्थल पे कैसे कैसे आकलन करना है। अगर आकलन नहीं करोगे बिना आकलन के ही काम करोगे तो नुकसान कर सकते हो क्या? तो आकलन करने के लिए अपने को 6 वर्ड याद रखने, कितने? 6। और अभी की अभी याद करना उनको, घर जाके रखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पढ़ लिया बस वही काट के बेसिक पूछा रहेगा आपसे, है ना? कोई पेपर तो है नहीं आपका, सह कौन से डी आर एस ए बी सी, दोबारा डी आर एस ए बी सी, डी आर एस ए बी सी, डी आर एस ए बी सी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अब देखो इनका अर्थ भी बताना चाहिए। डी फॉर डेंटल, डी फॉर डेंटल, आर फॉर लेस, लेस कौन सी है? डेंजर रेस्पॉन्स, एस फॉर अब बोलेगा सब डेंजर रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स साउंड फॉर हाफ, एयरवे, एयरवे ब्रीदिंग। और ये पार्ट है तो बहुत लंबा है, सब चीजों में ये चीजें पर और नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाओगे ये सारी चीजें, ठीक है? डी का मतलब है खतरा, आर का मतलब है जवाबदेही, जवाबदेही या फिर क्या प्रतिक्रिया करते हो आप खतरे को दिखते ही, ठीक है? सहायता के लिए बुलाना, जबरदस्त। श्वसन मार्ग, इससे क्या हो सबसे पहले डिफॉर डेंजर, तो इसे खतरे का आकलन कैसे करोगे आप? और इस आकलन करने का टाइम मैक्सिमम कितना दिया है? 30 सेकंड, 30 सेकंड वेट करना हुआ, 1 घंटा आकलन करने में नहीं लगा आपको, तब तक मर जाएगा, मर जाएगा तब कर दो। इसे तो कहते हैं केजुअल्टी का आकलन, और 30 सेकंड में ही आपको आग बुझाने, जैसे ही आपकी सूचना आती है और सूचना आने के बाद में आपको क्या रवाना होना है 30 सेकंड में, गाड़ी स्टार्ट करके गेट से बाहर कितने सेकंड में होना है? 30 सेकंड, उसे कहते हैं टर्न आउट, और टर्न आउट का समय कितना? 30 सेकंड। केजुअल्टी का आकलन करने का समय कितना? 30 सेकंड। अब खतरे का आकलन कैसे करोगे? सबसे पहले जहां भी गए आप आग बुझाने, पर्टिकुलर चीज ज्यादा पूछी जाएंगी, किताबी नॉलेज कम पूछा जाएगा आपको, ठीक है? क्योंकि वो प्रैक्टिकल ज्यादा करते हैं, किताबी नॉलेज कम है उनको, तो आपको प्रैक्टिकल चीज ज्यादा ध्यान में रखनी है। वाइवा में जो भी क्वेश्चन करेगा वो किसे करेगा? प्रैक्टिकल चीजों से काम भी हो जाएंगे, तो आपको पूछेगा जैसे ही आग लग गई बिल्डिंग में, आग लगी तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, किस किस का आकलन करना, खतरा कौन कौन सा हो सकता है उसमें, ठीक है? खतरा कौन कौन सा हो सकता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसका फर्स्ट एड दे रहे हो, तो उससे पहले फर्स्ट एड देने से पहले अपने को ध्यान रखना है कि खतरा क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक है? कोई आदमी पानी में डूब गया तो फिर उसको निकालने से पहले आप जा रहे हो, उससे पहले अपने को धो और वहां का आसपास का पता होना चाहिए, इसको निकालने के चक्कर में और खतरा न हो जाए और नहीं गिर जाए, तो उस खतरे का आकलन, इस कमरे में आग लग गई तो इसमें घुसने से पहले इसके खतरे का आकलन होना चाहिए, तो हर जगह अपने को क्या करना है, खतरे का आकलन करना है। कैसे करोगे? आग लग गई इसी कमरे में, मान के
सबसे पहले पहुंचते ही अपने को क्या करना है, चेक करना है कि लाइट कनेक्शन, लाइट कटी हुई है या नहीं कटी हुई है। दूसरा, पाइपलाइन या गैस लाइन दोनों को बंद करना है। अगर पाइपलाइन चालू रहेगी, अपने को ध्यान नहीं दिया और सीधे बिल्डिंग में घुस गए, पानी सब पेपर गया, वहीं छत गिर गई, रबड़ भी गिर गई, तो ये आपका है खतरे का। बिना लाइट काटी या बिना लाइट कटवाई या आप सीधे भग रहे हो, पानी लेके भगोगी करंट आएगा कि नहीं आएगा? अरे पानी मारोगे ना, पानी मार दे करंट पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? उससे खतरे का आकलन होना चाहिए। कहीं भी आप जा रहे हो, आग है तेल के बाद पानी, क्या कर रहे हो? पानी से क्या होगा, ज्यादा लगेगी, तो उससे खतरे का भी आकलन होना चाहिए। रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होते ही आपको क्या करना है, उस पे रोड पे ही उसको ले जाके क्या करने लगे, तो वो भी क्या आपको ध्यान रखना है, खतरे का ध्यान रखना है। उसके चारों तरफ पीटी इकट्ठी हो गई, पीटी इकट्ठी होकर फिर आप सीपीआर दे रहे हो, उसको श्वास ही नहीं मिल रही, पहले ही कम मिल रही उसको, और गर्मी से ही बेहोश हो गया, बेहोश होने से क्या हो, एक्सपायर हो गया, तो उससे खतरे का भी ध्यान रखना अपने को आप लग रखना है। सीधे घायल होते ही आप क्या कर रहे हो, सीधी उबड़ खाबड़ जगह पे लेटा रहे हो, उबड़ खाबड़ हड्डी टूटी हुई है, हड्डी टूटी हुई पर ऐसे उल्टा सीधा लेटा दिया, फिर उसको रात ही पुकार दे रहे हो, तो वो भी क्या है, खतरे का आकलन। तो खतरे का, सभी के खतरों का आकलन ध्यान रखना अपने को, और वो खतरे का आकलन है इसमें टीका। तो ये टीका तो बहुत लंबा चढ़ा हुआ है ना, हर जगह अपने को सबसे पहले ध्यान देना है इस टीका, फिर यह है रेस्पॉन्स, अपनी जवाबदेही पे करो, खुद की जवाबदेही क्या तय करनी है कि अपने को दूसरे के ऊपर काम किसका है, अपना है, कोई नहीं करा हो तो जवाबदेही अपनी बनती है कि अपने इसको सुरक्षित पहुंचाए या इसका इलाज करें, ठीक है। तो इलाज कैसे करोगे, खुद की जब तक जवाबदेही तय नहीं करोगे तब तक एक दूसरे की मुंह की तरफ देखोगे और तब तक वो मर लेगा। तो खुद की जवाबदेही तय करते हुए अपने को तुरंत क्या करना है, रिएक्ट करना है, तुरंत रिएक्ट किया, भीड़ को दूर हटाकर उसको समतल जगह पे ले जाके और उससे पूछो, ठीक है, उससे पूछो, अगर बोलता है तो ठीक है, नहीं बोलता है तो आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको जो भी आगे की कार्रवाई करनी हो उसके बाद रखना है, ठीक है। जब तक अपनी जवाबदेही खुद की तय नहीं करोगे तब तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तीसरा देखो, काम को हेल्प के लिए बुलाना है किसको, ये तो है नहीं कि आप अकेले करोगे सारे काम, हो सकता है एक से ज्यादा कैजुअलिटी हो, ठीक है, 10-5 कैजुअलिटी हो या एक भी हो तो फिर वहां भीड़ तो आ जाती है, तो भीड़ आपको तो करने ही नहीं दे रही है, ठीक है, और क्या खुद ही करने लगे या फिर रोड पे ही इकट्ठी हो गए, मान ही नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, उसके साथ साथ जिसकी हेल्प चाहिए उस हेल्प के लिए बुलाओ। अगर एम्बुलेंस डॉक्टर की जरूरत तो सबसे पहले उसको बुलाओ, ठीक है। अगर अपने को पुलिस फोर्स की आवश्यकता है, पुलिस फोर्स की क्यों, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स की आवश्यकता होती है, या फिर कई 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 कबार ऐसा भी रहता है कि अपन जैसे आने जा रहे हैं और अपन बैठे बाहुओं को एग्जाम बचेगी और उसको आता नहीं है, सीखा हुआ थोड़ी रहता है वो, आप तो सीखे हुए रहोगे, कोई भी पब्लिक है, कोई भी आदमी उठ के उसको अंदर कुछ नहीं चला गया, खुद भी वही हो गया, तो आपको तो पता है को क्या पहन के जाना है, कैसे जाना है, कैसे आना है, उसको थोड़ी पता है ये चीजें, तो आपको उसमें भी हेल्प के लिए किसकी आदमी की जरूरत पड़ेगी, आदमी की जरूरत पड़ेगी तो पुलिस का काम रहेगा कि उनको भीड़ को एक जगह रखेगी, पास नहीं आएगी, या फिर बिल्डिंग में आग लग रही है, हो सकता है गिर सकती है, और वहां नीचे खड़े खड़े होकर क्या क्या कर रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं और बिल्डिंग के गेट पे एक से ज्यादा खतरा हो गए हैं, तो ये चीजें जिस जिसकी भी आपको हेल्प हो, आपसे बिजली करंट ज्यादा कर रहा है तो किसको बिजली को आपको सूचना दो, हेल्प के लिए पानी आग बुझाए, पानी खत्म हो गया पानी के लिए दलदाई को आपको सूचना दो, डॉक्टर एम्बुलेंस के लिए एम्बुलेंस डॉक्टर चिकित्सा मेडिकल टीम को बुलाओ, ठीक है। और अपने भी स्थान में अगर एक से ज्यादा कैजुअलिटी है या फिर दो आदमियों का काम है, ठीक है, या टीम का काम है, तो उसके अनुसार अपने उनको बुलाओ हेल्प के लिए, तो इस ऐसा क्या होगा सहायता के लिए, फिर सहायता के लिए बुला लिया, सही जगह पे लेटा दिया, ठीक है। अब क्या करना अपने को, उसका वायु मार्ग, सबसे पहले अगर श्वास नहीं मिल रहा, उसका पैर टूट रहा है, पहले पैर की पट्टी करने लग गए आप खून रोकने के चक्कर में, पहले क्या करना, उसका वायु मार्ग चालू करना है, क्या एयरवे, एयरवे क्यों, क्योंकि उसका श्वास नहीं चलेगा जब तक उसको क्या नहीं मिलेगी,
अगर जान बच सकती है क्या उसकी पट्टी वहां से पट्टी से नहीं बचेगी किससे जब तक उसके वायु मार्ग नहीं खोलोगे वायु मार्ग कौन से मुंह और नाक ठीक है जहां से अपन श्वास लेते हैं वही क्या है एयर में है वायु मार्ग है उनको कैसे खोलेंगे उनको खोलने के दो तरीके हैं इसमें पहला है सबसे पहले तो अपने को ध्यान देना है उसका मुंह बंद तो नहीं मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है पता नहीं कौन सी स्थिति में वो गुटखा खा रहा है खाना खा रहा है बैठा है सो रहा है ना और कई कभी कभार ऑटोमेटिक बंद हो जाता है गायब होते हैं तो उसके मुंह और नाक को खोलो पहले सबसे पहले फिर यू गर्दन है गर्दन को सीधा करने का दो तरीके यहां से गर्दन को सीधी कराओगे तो ही तो श्वास मिलेगी श्वास आएगी जाएगी ना तो इसके दो तरीके हैं पहला है एटीट्यूड और दूसरा कौन सा है जा थ्रस्ट में एटीट्यूड का मतलब है सिर्फ सिर को झुकाओ और चिन्ह लेते थोटी को उठाओ ठीक है सिर यूं है पीछे की ओर जो खाना अपने को और थोटी को कैसे उठाना है एक हाथ यहां लगाओ और एक हाथ यहां लगाओ उसको सीधा करो खुल जाएगा क्या ये यहां से खुलेगा तभी तो श्वास आएगी जाएगी दूसरा आएगा गंभीर रूप से चोट लगी है सिर में उसके सिर में भी दर्द नहीं होना चाहिए क्या करोगे आप सिर को पकड़ोगे इधर से पकड़ के और यूं ऐसे ठीक है तो ये जा थ्रस्ट मैन्यूवर और हैड डेट चिल लिफ्ट इसके साथ एयर वे का मुंह में कुछ फंसा हुआ उसको निकालो ठीक है ये किसे एयर वे अब आता है ब्रीदिंग अब आपको क्या चेक करनी है उसकी श्वसन दर चेक करनी है क्या चेक करनी है श्वसन दर अगर श्वास आ रही है आप सीपीआर देने लगे तो ज्यादा नुकसान हो सकता है क्या उसका बिल्कुल होगा तो आपको सीपीआर या श्वसन कृत्रिम श्वसन उसी को देना है जिसकी श्वास नहीं चल रही है ठीक है तो क्या करोगे उसकी चेक करो हार्ट बीट नाड़ी चेक करो नाड़ी चल रही है तो समझ लेना इसकी सांस भी चल रही है अगर यहां से अंदाज नहीं लग रहा यहां बहुमूलिया लगाओ उल्टी करो और ये टाइम है केवल 10 सेकंड टाइम श्वसन दर चेक करने का कितना है 10 सेकंड का 5 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाएंगे इसमें अगर आप एक घंटे तक ही सीखे लगे रहे वो वैसे ही खत्म हो जाएगा ठीक है तुरंत चालू करो वो स्थिति प्रारंभिक आचरण का मतलब आपको स्थिति दिखते ही पता चल जाएगी बेहोश है या नहीं आंखें भी तो खुली है खुद में भी तो कॉमन सेंस है थोड़ा सा तो वही तो है प्रारंभिक आचरण ठीक है तो क्या करोगे आप अगर हार्ट बीट चेक करो नहीं अंदाज लग रहा है नहीं लगा अंदाज तुरंत उसको क्या करो कंप्रेस करो अब कंप्रेस क्यों चेस्ट पर नहीं करना है चेस्ट पे चोट लग रही हो तो कंप्रेस करने की छह विधियां हैं और वो आई किसने कंप्रेस हो सकती है ठीक है तो ये था आपका किसका अपन कैजुअलिटी का अपन किस किस प्रकार से करोगे कैसे कैसे करोगे तीसरा पार्ट है आपका क्वेश्चन तो बताएं नहीं आपके सिलेबस में कृत्रिम श्वसन ओब्लिक सीपीआर टाइम